गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास, हाउ आर यू बेटा? आई एम फाइन, आप कैसे हैं? हमने बेटा चैप्टर फोर स्टार्ट किया था क्लाइमेट, क्लाइमेट की बात बताया था कि जलवायु होती है, कुछ आपके इसके डायग्राम्स थे, लाइटनिंग रेनी स्टूडेंट्स आप लोगों ने की होगी इसकी प्रैक्टिस। तो व्हाट इज़ वेदर? वेदर क्या है? द कंडीशन ऑफ ए एयर ए पर्टिकुलर प्लेस एट ए पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड ए वेदर। इसी प्रकार आपने क्लाइमेट की डेफिनेशन की थी, फिर फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट आपने किए थे, कौन कौन से थे? फाइव थे, डिस्टेंस फ्रॉम द सन, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, एल्टीट्यूड, ह्यूमिडिटी एंड विंड फैक्टर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे आज माइक्रो क्लाइमेट। क्या करेंगे? माइक्रो क्लाइमेट। तो लेसन फोर है आपका, फिफ्थ क्लास का है माइक्रो क्लाइमेट। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। माइक्रो क्लाइमेट क्या होता है? माइक्रो होता है सूक्ष्म, सूक्ष्म होता है बिल्कुल छोटा। उसकी जलवायु के बारे में कि कैसे बनती है, इसका क्या प्रोसीजर है। तो चैप्टर हमारा था क्लाइमेट। ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चों को क्लियर हो गया है? क्लाइमेट होती है इसकी जलवायु। तो सब बच्चे ध्यान से देखें, सूक्ष्म जलवायु क्या होती है? तो ये सबके पास बुक होनी चाहिए, पेज नंबर है आपका 32। ओके स्टूडेंट्स, माइक्रो क्लाइमेट क्या है? स्मॉल एरिया विद ए डिफरेंट क्लाइमेट देन इट्स सराउंडिंग्स इज सेड टू हैव ए माइक्रो क्लाइमेट। एक छोटा सा क्षेत्र होता है विद ए डिफरेंट क्लाइमेट, उसकी वहाँ जलवायु डिफरेंट होती है, भिन्न होती है देन इट्स सराउंडिंग, उसके आसपास के एरिए से, इसको कहते हैं सूक्ष्म जलवायु। तो इसी का पहला क्वेश्चन ही बन जाता है, तब तक आप लिखेंगे कि व्हाट इज माइक्रो क्लाइमेट, व्हाट इज माइक्रो क्लाइमेट। सूक्ष्म जलवायु क्या होती है? स्मॉल एरिया, एक छोटा सा एरिया होता है, स्मॉल एरिया विद ए डिफरेंट क्लाइमेट एरिया, छोटा सा एरिया विद ए डिफरेंट क्लाइमेट, और जिसकी जलवायु वहाँ पर थोड़ी सी अलग होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ विद ए डिफरेंट क्लाइमेट, उसकी जो आसपास की जलवायु जो होती है वो डिफरेंट होती है, उसकी सराउंडिंग्स जो आसपास का वातावरण होता है उसे कहते हैं माइक्रो क्लाइमेट। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, उदाहरण है, द टेम्परेचर इन सिटीज मे बी अराउंड 6 डिग्री सेल्सियस वार्मर देन, कहते शहरों का जो तापमान होता है वो 6 डिग्री गर्म होता है देन द सराउंडिंग, उसके आसपास के वातावरण से। कंट्री साइड जो आसपास के ग्रामीण इलाके होते हैं, देखिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया जाता है, जैसे कि एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है, लाइक दिल्ली लगा लीजिए, वहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो डिफरेंट कहाँ से होगा? जहाँ पर पेड़ पौधे अधिक मिलते हों, चाहे वो दिल्ली के आसपास के इलाका हो या कोई भी थोड़ा सा इलाका हो। तो जब वहाँ पे क्या होता है, वहाँ का टेम्परेचर गर्म है, जैसे दिल्ली के अंदर की कुछ बिल्डिंग्स है वहाँ पर जलवायु गर्म है, लेकिन जैसे जैसे हम ग्रामीण इलाकों की तरफ जाएंगे जहाँ पर खुली हवा मिलेगी, ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे, तो वहाँ की जलवायु उससे थोड़ी सी डिफरेंट होगी। तो तब तक ये क्वेश्चन है, व्हाट इज़ माइक्रो क्लाइमेट, रिवाइज करिए, लिखिए बेटा 2 मिनट से आपके पास।
एग्जांपल देके भी समझा है कि जैसे जैसे हम ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ जाते हैं वहाँ की जलवायु अलग होती है। बिकॉज बिल्डिंग एंड पेव्ड स्ट्रीट्स होल्ड द सन हीट लॉन्गर, क्योंकि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं और जो पक्की सड़कें होती हैं वो सूर्य की जो गर्मी किरणें होती हैं, सूर्य की जो गर्मी है वो काफ़ी समय तक अपने अंदर सोख लेती है। लेकिन जब जहाँ पर मिट्टी होगी वहाँ का टेम्परेचर बिल्कुल ही अलग होगा, क्योंकि हम मिट्टी में क्या होता है गर्मी चली भी जाती है और जब हम उसके ऊपर पानी छिड़कते हैं या जैसे वर्षा आती है तो वो सारा पानी सोख लेती है और उससे क्या होता है गर्मी जो है अपने आप ही ख़त्म हो जाती है। तो ये था हमारा माइक्रो क्लाइमेट। सब बच्चे ध्यान से देखें, ध्यान से सुने। इसका सेकेंड क्वेश्चन है, सब बच्चे देखें, पहले आपको इसकी एक बार रीडिंग ले लेते हैं दोबारा से। ए स्मॉल एरिया विद अ डिफरेंट क्लाइमेट देन इट्स सराउंडिंग इज सेड टू हैव अ माइक्रो क्लाइमेट। फॉर एग्जाम्पल द टेम्परेचर इन सिटीज में बी अराउंड 6 degrees Celsius वार्मर देन द सराउंडिंग कंट्री साइड बिकॉज बिल्डिंग एंड पेव्ड स्ट्रीट्स होल्ड अ सन हीट लॉन्गर। कंट्री साइड आपका ग्रामीण इलाके हो गया, पेव्ड स्ट्रीट्स हमारी पक्की सड़कें हो गई और सन हीट सूर्य की गर्मी हो गई, लॉन्गर होता है काफ़ी समय तक। तो आपको अगर हर वर्ड का मीनिंग थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो उसकी हिंदी करनी भी इजी हो जाती है। तो सेकंड क्वेश्चन इज देयर वाज़ द टेम्परेचर लो, टेम्परेचर कम कहां पर हो सकता है इन कंट्री साइड, कंट्री साइड मतलब क्या हो गया ग्रामीण इलाके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु होल्ड द सन हीट लॉन्गर, काफी समय तक सूर्य की किरणें को कौन रोक सकता है, पेव स्ट्रीट पक्की सड़कें, पेव स्ट्रीट एंड बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी इमारतें। ओके स्टूडेंट, तो अब है आपका नेक्स्ट क्लाइमेटिक जोन। क्लाइमेटिक जोन क्या है, क्लाइमेटिक जोन है आल्सो कॉल्ड हीट जोन। क्लाइमेटिक जोन का दूसरा नाम क्या दिया गया, हीट जोन का। दीज आर थ्री डिस्टिंक्ट, इसको तीन हिस्सों में बांटा गया हीट जोन को ऑन द अर्थ पृथ्वी पर। ईच ऑफ दीज जोन्स रिसीव डिफरेंट अमाउंट ऑफ सनलाइट, और इन तीनों जोन्स में जो तीन जोन्स बताए हैं उनमें डिफरेंट टाइप की हीट सनलाइट सूर्य की किरणें पड़ती हैं, रिसीव करती हैं। द फाइव मेन लेटिट्यूड रीजन ऑफ द अर्थ मेक सरफेस मेक अप जियोग्राफिकल जोन दे आर कॉल्ड एज फॉलोस। कहते हैं पाँच लेटिट्यूड जोन्स रीजन क्षेत्र मतलब पृथ्वी के क्षेत्र हैं जो बनाते हैं इसे जियोग्राफिकल, ज्योग्राफी क्या होता है हमारा भौगोलिक जोन बनाते हैं। कौन कौन से हैं, नंबर वन स्टार बने हुए देखिए, द नॉर्थ फ्रिजिड जोन नॉर्थ ऑफ द आर्कटिक सर्कल, द नॉर्थ टेम्परेट जोन बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द टॉरिड जोन बिटवीन द ट्रॉपिकल सर्कल, द साउथ टेम्परेचर जोन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन एंड द एंटार्क्टिक सर्कल, द साउथ फ्रिजिड जोन साउथ ऑफ द एंटार्क्टिक सर्कल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इसके रिलेटेड है कुछ क्वेश्चंस क्लाइमेटिक जोन के। सब बच्चे ध्यान से देखें, एक बार इसको दोबारा से रीड करते हैं। क्लाइमेटिक जोन आर ऑल्सो कॉल्ड हीट जोन, दीज आर थ्री डिस्टिंक्ट हीट जोन ऑन द अर्थ, ईच ऑफ दीज जोन रिसीव डिफरेंट अमाउंट ऑफ सनलाइट, द फाइव मेन लेटिट्यूड रीजन ऑफ द अर्थ सरफेस मेक अप जियोग्राफिकल जोन्स दे आर एज फॉलोज, नंबर वन द नॉर्थ फ्रिजिड जोन नॉर्थ ऑफ द आर्कटिक सर्कल, द नॉर्थ टेम्परेट जोन बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द टॉरिड जोन बिटवीन द ट्रॉपिकल सर्कल्स, द साउथ टेम्परेचर जोन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द एंटार्कटिक सर्कल, द साउथ फ्रिजिड जोन साउथ ऑफ द एंटार्कटिक सर्कल। ये इनके नाम है जोन के और वो कहाँ से कहाँ तक फैले हुए उसके बारे में बताया गया है। तो बेटा ये देखिए, इसका क्लाइमेटिक जोन का एक डायग्राम भी आपको बनाना है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये है आपका क्लाइमेटिक जोन, इसका एक आपको डायग्राम बनाना है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फोर,
व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ क्लाइमेटिक जोन? व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ क्लाइमेटिक जोन? आंसर है हीट जोन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर डैश डिस्टिंक्ट हीट जोन ऑन द अर्थ, ऑन द पृथ्वी पर कितने जोन बांटे गए हैं? थ्री. आंसर इज थ्री. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईच ऑफ दीज जोन्स रिसीव्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ डैश. क्या लेते हैं? सनलाइट. क्या लेते हैं? सनलाइट, सूर्य की गर्मी. क्वेश्चन नंबर सेवन, द डैश मीन लैटिट्यूड रीजन ऑफ द अर्थ face makes up geographical, geographical. Zones. कितने हैं आंसर? फाइव. जोन्स हैं फाइव. ये सेवन क्वेश्चन से सब बच्चे पहले ध्यान से लिखिए, राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड. सब बच्चे ध्यान से लिखें, एक बार रीडिंग ले लेते तब तक हम. सब बच्चे सबसे ध्यान से लिखें, किसी भाषा में प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं. सब बच्चे ध्यान से लिखें, राइट के सुनें.
carefully from the blackboard. ध्यान से लिखिए बेटा, राइट केयरफुली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. The next question is question number 9 and question number 10. Okay, students. तो आपके लिए एक डायग्राम है, टू डायग्राम से सॉरी. मेक द डायग्राम ऑफ क्लाइमेटिक जोन. क्लाइमेटिक जोन मेक अ डायग्राम. मेक द डायग्राम ऑफ एनी एनिमल, एनी बर्ड, अ ग्लोब. आपको ये डायग्राम्स क्लियर होने चाहिए फॉर एग्जाम. ओके स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही करेंगे. सब बच्चे ध्यान से देखिए. भी अच्छे से हो जाएगी बेटा अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो. चैप्टर 4 अच्छे से क्लियर कर लेना आप. आप इसकी एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से क्लियर करें. राइट द 5 लैटिट्यूड रीजंस ऑफ द अर्थ. द नॉर्थ फ्रिजिड जोन, द नॉर्थ टेम्परेट जोन, द टॉरिड जोन, द साउथ टेम्परेट जोन, द साउथ फ्रिजिड जोन. मेक द डायग्राम ऑफ क्लाइमेटिक जोन्स. मेक द डायग्राम ऑफ एनी एनिमल, एनी बर्ड एंड ग्लोब. तो मैं आपको क्लाइमेटिक जोन का बता दी. आप एनिमल में आप कुछ भी जानवर की पिक्चर कैमल है, फिश है, पोलर बियर है, कुछ भी बना सकते हैं. एनी बर्ड में किसी भी पक्षी का चित्र बना सकते हैं. और ग्लोब आपको क्लियर ही है. लेकिन मैं क्लाइमेटिक जोन का आपको दे देती हूँ, एक बार आप उसको अच्छे से देख लीजिए.
ये है आपका क्लाइमेटिक जोन। सब बच्चों को क्लियर नजर आ रहा है? सब बच्चे ध्यान से लिखें, चेक कर सकते हैं बेटा, ये देख लीजिए क्लाइमेटिक जोन। तो इसके अंदर की आपको पिक्चर अच्छे से बनानी है। ये डायग्राम्स हैं बेटे आपके, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं हैं, बुक्स ले लें और बुक्स के सहायता से ही आपके अच्छे से रिविजन हो पाए। ओके स्टूडेंट्स, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम स्टे से बेटर, टेक केयर।